हेलो स्टूडेंट्स, मी डॉक्टर दीपा चौहान। टुडे आई विल डिस्कस विद यू द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। फर्स्ट आई विल डिस्कस विद यू द प्रिंसिपल ऑफ द लिमिट टेस्ट फॉर आयरन। द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन इंटरैक्शन ऑफ आयरन विथ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ टू कंपाउंड्स, सिट्रिक एसिड एंड अमोनियम सोल्यूशन। पर्पल कलर फेरस थायोग्लाइकोलेट इज फॉर्म। फेरस थायोग्लाइकोलेट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ पर्पल कलर। सो स्टूडेंट, जब हम लिमिट टेस्ट फॉर आयरन परफॉर्म करते हैं तो हम टू नेस्टर सिलेंडर्स लेते हैं, वन फॉर द प्रिपरेशन फॉर द टेस्ट सॉल्यूशन एंड अनदर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो लिमिट टेस्ट फॉर आयरन में होता क्या है कि फेरिक आयन फेरस आयन में कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड। थायोग्लाइकोलिक एसिड यहाँ पर एक्ट करता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, जो कि फेरिक आयन Fe3+ को फेरस आयन Fe2+ में कन्वर्ट कर देता है। ये जो फेरस आयन है ये दोबारा से थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है और फेरस थायोग्लाइकोलेट देता है। फेरस थायोग्लाइकोलेट इज ऑल्सो नोन एज फेरस मरकेप्टो एसिटेट। फेरस थायोग्लाइकोलेट गिव्स पर्पल कलर बोथ इन द टेस्ट सॉल्यूशन एंड इन द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, ये बात ध्यान रखने वाली है कि जो हमने दो नेस्लर सिलेंडर लिए थे फॉर मेकिंग द टेस्ट सॉल्यूशन एंड द स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, तो जो टेस्ट सॉल्यूशन है उसमें भी फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है उसमें भी फेरस थायोग्लाइकोलेट बनेगा। लेकिन जो पर्पल कलर की टेस्ट इंटेंसिटी है, जो कि फेरस थायोग्लाइकोलेट बनने से टेस्ट सॉल्यूशन में भी हो रही है और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में भी हो रही है, तो जो टेस्ट इंटेंसिटी है ऑफ द पर्पल कलर ऑफ द फेरस थायोग्लाइकोलेट जो कि टेस्ट सॉल्यूशन में है, अगर उसकी इंटेंसिटी स्टैंडर्ड से ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल करता है। और यदि हमारा फेरस थायोग्लाइकोलेट जो कि पर्पल कलर में हमारे स्टैंडर्ड सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उसकी टेस्ट इंटेंसिटी हमारे टेस्ट सॉल्यूशन से ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट पास हो जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, आई विल डिस्कस विद यू द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड अमोनिया इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। फर्स्ट आई एम डिस्कसिंग विद यू द रोल ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। बेसिकली थायोग्लाइकोलिक एसिड एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट टू कन्वर्ट फेरिक आयन टू द फेरस आयन। फेरस आयन अगेन रिएक्ट्स विद द थायोग्लाइकोलिक एसिड एंड कन्वर्ट्स टू द फेरस थायोग्लाइकोलेट इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कलाइन मीडियम। एल्कलाइन मीडियम इज प्रोवाइडेड बाय द अमोनिया दैट इज प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। फेरस थायोग्लाइकोलेट इज पर्पल इन कलर। नाउ आई विल डिस्कस विद यू द रोल ऑफ द सिट्रिक एसिड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। बेसिकली सिट्रिक एसिड प्रिवेंट्स प्रेसिपिटेशन ऑफ द आयरन एज अमोनियम सॉल्ट एंड सिट्रिक एसिड इज ऑल्सो फॉर्म्स द अमोनियम सिट्रेट बफर टू स्टेबलाइज द कॉम्प्लेक्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सिट्रिक एसिड के दो रोल हैं। अमोनिया फेरस आयन के साथ रिएक्ट करके एक प्रेसिपिटेट फॉर्म करती है जिससे कि रिएक्शन फेरस आयन से फेरस थायोग्लाइकोलेट में कन्वर्ट नहीं होती। तो सिट्रिक एसिड यहाँ पर अमोनिया का फेरस आयन के साथ जो रिएक्शन है उसको रोकता है और फेरस आयन दोबारा से थायोग्लाइकोलिक एसिड के साथ रिएक्ट करके फेरस थायोग्लाइकोलेट बनाता है। दूसरा रोल सिट्रिक एसिड का है कि वो अमोनिया के साथ मिलके अमोनियम सिट्रेट बफर बनाता है और जो फेरस थायोग्लाइकोलेट का जो कॉम्प्लेक्स है उसको स्टेबलाइज करता है। सो स्टूडेंट्स, दीज आर द ऑपरेटर्स एंड द ग्लासवेयर फॉर द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन। टू नंबर ऑफ द नेस्लर सिलेंडर फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द टेस्ट सोल्यूशन एंड द स्टैंडर्ड सोल्यूशन। 2 ml बल्ब पिपेट, 20% वेट बाय वॉल्यूम आयरन फ्री सिट्रिक एसिड, थायोग्लाइकोलिक एसिड, अमोनिया सॉल्यूशन, आयरन स्टैंडर्ड सॉल्यूशन 20 ppm एंड ग्लास रॉड एंड रेड लिटमस पेपर।
Now students, I will discuss with you the procedure of the making of test solution and the standard solution in the limit test of iron. तो टेस्ट सॉल्यूशन और स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें दो नेचुरल सिलेंडर लेने हैं. तो हम सबसे पहले टेस्ट सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट डिसॉल्व द स्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस बीइंग एग्जामिन्ड इन 40 ml ऑफ वाटर एंड ट्रांसफर टू ए नेचुरल सिलेंडर. हमारा टेस्ट सॉल्यूशन और 40 ml ऑफ वाटर नेचुरल सिलेंडर में ऐड हो जाने के बाद हम उसमें 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ आयरन फ्री सिट्रिक एसिड को ऐड करेंगे और उसके बाद हम 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड को ऐड करेंगे. 2 ml ऑफ 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ आयरन फ्री सिट्रिक एसिड एंड 0.1 ml ऑफ थायोग्लाइकोलिक एसिड ऐड करने के बाद हम सॉल्यूशन को अल्कलाइन बनाएंगे विद द आयरन फ्री अमोनिया सॉल्यूशन. अब सॉल्यूशन अल्कलाइन हुआ है या नहीं हुआ है उसको हम चेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ लिटमस पेपर. नाउ डाइल्यूट 250 ml with water and allow to stand for 5 minutes and observe the color transversely. So, after making test solution in the nacelle cylinder, we will take the another nacelle cylinder to prepare the standard solution. So for making standard solution, first dissolve 2 ml of standard iron solution 20 ppm with 40 ml of water in a nacelle cylinder. Add 2 ml of 20% weight by volume solution of iron free citric acid and 0.1 ml of thioglycolic acid. जब हम 2 ml of 20% weight by volume solution of iron free citric acid और 0.1 ml of thioglycolic acid को natural cylinder में add कर देंगे, then mix and make alkaline with the iron free ammonia solution. After that, dilute up to the 50 ml with water and allow to stand for 5 minutes and observe the color transversely.